नमस्कार, मैं रश्मि पाल और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है सिद्धार्थ नगर से। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने किया प्राथमिक विद्यालय पोखर भिटवा का औचक निरीक्षण। प्रदेश में आज करीब एक साल बाद खुले हैं प्राथमिक विद्यालय। मंत्री ने बच्चों से की बात, कोविड के नियमों का पालन करने का पढ़ाया पाठ। बच्चों के लिए बनाए गए भोजन को भी टेस्ट करके जानी गुणवत्ता। बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान, यहाँ मिला सब ठीक, आगे भी विद्यालयों का करते रहेंगे औचक निरीक्षण। सतीश द्विवेदी हैं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री। बड़ी खबर R7 लाइव न्यूज आपको दिखा रहा है यूपी के सिद्धार्थ नगर से, जहां प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। प्रदेश में आज करीब एक साल बाद प्राथमिक विद्यालय खुले हैं, जिसके चलते शिक्षा राज्य मंत्री ने यह निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में सभी कुछ ठीक पाया गया है, कोई गुणवत्ता में कमी नजर उन्हें नहीं आई है। बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया कि आगे भी विद्यालयों का ऐसे ही औचक निरीक्षण करते रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता RP जोशी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। RP जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने आज प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, आपको बताना चाहें कि एक साल हो गया कोविड को लेकर, आज पहले दिन स्कूल प्राथमिक विद्यालय खुला है, जिसमें उसका ब्लॉक अंतर्गत पोखरबिटवा गांव में प्राथमिक विद्यालय को लेकर शिक्षा मंत्री ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें बच्चों से जाके हालचाल पूछे और उन्हें कोविड के बारे में बताया कि मास्क लगा के ही आए और दूरी दूरी में बैठे। उसके बाद वहां से वो भोजन के लिए गए, जहां पे उन्हें रसोइयों से उनका हाल चाल लिया और भोजन की गुणवत्ता को देखा, जिसमें उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भोजन करने के लिए, जिसकी उन्होंने भोजन करके चेक किया तो गुणवत्ता अच्छी मिली। जी बताएं जी, RP जी, इस दौरान स्कूली बच्चों से कोई बातचीत उनकी हो पाई है, क्योंकि एक साल बाद स्कूल खुले हैं, तो क्या कुछ उनका कहना है? जी, बच्चों से उन्होंने बताया कि मैं, मुझे पहचानते हो? तो बच्चों ने कहा हाँ सर, पहचान रहे। उन्होंने कहा मैं आपके शिक्षा मंत्री हूँ। तो बच्चों ने ताली बजाकर उनका स्वागत भी किया और एक बच्ची को उन्होंने खड़ा करके उसका हाल चाल लिया और पूछा कि आपको स्कूल आ रहे हैं आज, आपसे कैसा लग रहा है? तो बच्चों ने बहुत खुश होकर कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहा ठीक है, आप प्रतिदिन स्कूल आया करें इसी प्रकार। जी, RP जी, इस दौरान प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि ये जो औचक निरीक्षण किया गया है, आगे भी विद्यालयों का इसी तरह से निरीक्षण होता रहेगा। जी, उन्होंने बताया कि ये मेरा पहला नहीं है, अब आज से स्कूल शुरू हुए हैं, तो मैं इस तरह के हर विद्यालयों में जाके निरीक्षण करूंगा और बच्चों से पूछूंगा कि उनको भोजन में क्या मिलता है, उनकी पढ़ाई किस तरह होती है। जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई भी विद्यालय शिक्षक ये न जाने कि मेरा पहला स्कूल का निरीक्षण है, अब मैं हर जगह जाकर निरीक्षण करके खुद चेक करूंगा कि क्या गुणवत्ता मिलती है, क्या पढ़ाई होता है बच्चों से पूछताछ भी की जाएगी कि उन्हें शिक्षा के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है। जी मैम जी, RP जी, इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री ने किस प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, क्या वहां पर कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह से पालन होता नजर आया? जी मैम, बताना चाहेंगे कि उसका विकास खंड के अंतर्गत पोखरबिटवा प्राथमिक विद्यालय पे उन्होंने निरीक्षण किया है, जहाँ पे कोविड के सारे नियम पालन किए गए थे, बच्चे दूरी दूरी में बैठे हुए थे, सभी ने मास्क लगाया हुआ था और स्कूल को भव्य तरह से सजाया गया था, जिससे बच्चे आकर्षित हों और ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय में आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के। तो ये थे सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता RP जोशी, जो बता रहे थे किस तरीके से प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने औचक निरीक्षण किया है प्राथमिक विद्यालय का। इस दौरान उन्हें सब कुछ ठीक मिला है, उन्होंने भोजन का टेस्ट करके उसकी गुणवत्ता को भी परखा। एक साल बाद आज प्राथमिक विद्यालय खुले हैं, इसके चलते बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मंत्री जी ने कही कि आगे भी इस तरीके से औचक निरीक्षण प्राथमिक विद्यालयों का जारी रहेगा। आपको बता दें कि फिलहाल सतीश द्विवेदी
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय पुखर भिटवा का आज औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान सब कुछ ठीक पाया गया।